आज अपन स्टैंडर्ड फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, लार्ज नंबर। लार्ज नंबर नंबर में एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो ए दिया है इसमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज। इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, 9,99,99,999। सेकंड ऑप्शन दिया है 1 करोड़। थर्ड ऑप्शन दिया है 1,11,11,199। इसमें से स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर का जो आंसर है उसका आंसर है ये सेकंड वाला, 1 करोड़। उसी तरह सेकंड बी में दिया है ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज। इसके तीन ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज जो है वो उसका ऑप्शन है थर्ड वाला, 99,99,99,999। इस ऑप्शन को टिक करना है अपने को। और इसी क्वेश्चन में दो और क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चन दिए हैं, उसका आपको होमवर्क है। फिर अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें भी क्वेश्चन दिया है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 9,99,99,999। ये इसका आंसर है। आंसर लिखने के बाद अंडरलाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बी स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, इसमें क्या है 10 करोड़। इस तरह से आपको इनके फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है और अंडरलाइन करना है। और दो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए है। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं अपन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑन एबाकस। अपने को क्या करना है इसमें, एबाकस करना, एबाकस बनाना है। एक नंबर दिया है अपने को 2,18,07,400। ये नंबर दिया है, इस तरह से अपने को एबाकस तैयार करना है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़। करोड़ में कितने हैं, टू, तो टू सर्कल तैयार करना है। टेन करोड़ में कितने दिए हैं, वन, तो वन सर्कल तैयार करना है। फिर लैक में एट, तो एट सर्कल है। और थाउजेंड में जीरो है इसलिए कुछ भी नहीं। फिर है टेन थाउजेंड में जीरो है इसलिए कुछ भी नहीं। थाउजेंड में सेवन, तो सेवन सर्कल तैयार करना है आपको इस तरह से। फिर हंड्रेड में फोर सर्कल, और टेंस में जीरो है और वंस में जीरो है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं आएंगे। इस तरह से आपको एबाकस तैयार करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको समझा के दिए हैं, बाकी के और क्वेश्चन है वो आपको करना है। अभी आते हैं अपन क्वेश्चन फोर पे। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन वर्ड्स। अपने को नंबर दिया है, फिगर में दिया है 8,74,68,320। ये अपने को किसमें करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने को करोड़, लैक्स, थाउजेंड, वन, इस प्रकार से अपने को करना है। वंस में कितने आते हैं, थ्री पार्ट्स आते हैं, हंड्रेड, टेन्स, वंस, और थाउजेंड में टेन थाउजेंड, थाउजेंड, लैक्स में टेन लैक्स, लैक्स, और करोड़ में टेन करोड़, करोड़। फिर अपने को यहाँ से नंबर देखना है, वंस में क्या है, जीरो है, टेन्स में क्या है, टू है, हंड्रेड में क्या है, थ्री है, थाउजेंड में क्या है, एट, टेन थाउजेंड में सिक्स, लैक्स में फोर, टेन लैक्स में सेवन, और करोड़ में एट है, और टेन करोड़ में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन ने इस तरह से इन नंबरों की सीरीज डाले है। और उसके बाद काय में लिखना है बोलता है अपने को, वर्ड्स में। तो फिर लिखे अपन ने 8,74,68,320। ठीक है, ये आपको चार्ट बनाना है। इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना है, उसके बाद में वर्ड्स में लिखना है। इस तरह और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के लिए है। एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है, और उसके बाकी के जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन 5, रीराइट द फॉलोइंग नंबर बाय पुटिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देम इन वर्ड्स। आपको ये नंबर दिया है, इसको कॉमास लगाना है और वर्ड्स में करना है। तो देखिए, 15 के बाद लगाए अपन ने, 73 के बाद, 42 के बाद, 101 के बाद, अपने क्या किया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। तो क्या होगा, 15,73,42,101। इसी नंबर को अपने को काय में लिखना है, वर्ड्स में लिखाना है। 15,73,42,101। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को कॉमास में लिखना है, फिर वर्ड्स में लिखना है। और भी क्वेश्चन है इसके, वो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन 6 पे। राइट इज ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर
राइट इज ऑफ द फॉलोइंग फिगर, अपने को ये काय में दिया है, वर्ड्स में दिया है, 6,48,96,530, ये वर्ड्स में दिया है, तो अपने को काय में लिखना है, फिगर में लिखना है। लिखिए अपन ने 6,48,96,530। इस तरह से बाकी के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वन में पूरे करना है, और इसके बाद में है अपने को ट्रू और फॉल्स, तो वो आप लोग करोगे वो क्वेश्चन। अभी अपन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें ए, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 43,76,94,500। इसमें से जो 6 है, इसकी 6 की प्लेस वैल्यू अपने को बताना है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं 60,000, 6 लाख और ये 6,000। तो अपने को यहाँ 6 दिया है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए अपनी, क्या होना चाहिए, 6 लाख होना चाहिए। इसको टिक किया अपन ने। फिर सेकंड क्वेश्चन है बी, फेस वैल्यू ऑफ 9 इन, फिर नंबर दिया है अपने को, 9 की फेस वैल्यू बताना है। यहाँ फिगर दिया है 4,78,92,465 इज, इसमें दिया है 9 की फेस वैल्यू क्या होना चाहिए। कोई भी नंबर की फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9। इसको टिक करेंगे अपन। इस तरह से और भी क्वेश्चन है इसमें, वो आप लोग सॉल्व करोगे। अपन आते हैं अभी क्वेश्चन सेकंड पे, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, फिर नंबर दिया है अपने को यहाँ, इस नंबर में से 3 की प्लेस वैल्यू बताना है, 30,48,75,555 इज, इसमें से आपको 3, जो 3 दिया है इसकी प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्या आएगी, 3 करोड़ आएगी। 3 के बाद देखो, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 3 के बाद कितने डिजिट है, सीधे 0 लगाते गए, लगाए अपन ने, ये 2, ये 2, ये 2, 2, फिर यहाँ 3, 1, 2, 3, इस तरह से भी आप कर सकते हो, इसलिए इसकी है प्लेस वैल्यू 3 करोड़। बी, फेस वैल्यू आप 9 इन, फिर इसमें 9 की फेस वैल्यू, मैंने यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देखो आप लोगों को समझ में आना चाहिए करके, इसमें के जो फिगर है वो चेंज है लेकिन क्वेश्चन सेम है, 7,74,53,542 इज दिया है, तो इसकी फेस वैल्यू बताना है अपने को 9 की, तो 9 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9। ये इसका आंसर है, आंसर के नीचे इस तरह से अंडरलाइन करना है, और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं सी डी ई, वो आप लोगों को करना है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन थर्ड पे, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अपने को नंबर दिया है, इस नंबर में जिस नंबर को कलर किया है, अपने पिंक कलर का कलर है, इस नंबर की अपने को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना है। ये नंबर दिया है 75,86,73,210, तो इसकी प्लेस वैल्यू बताना है अपने को, 6 की प्लेस वैल्यू बताना है। अभी मैंने बताई थी कि जो भी नंबर है उसके बाद जितने डिजिट रहते हैं उतने 0 लगा लेने का। देखो ये 6 है, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 लगाए अपन ने, क्या हो गया इसकी प्लेस वैल्यू, क्या हो गई, 6 लाख, और फेस वैल्यू 6। यानी जो भी नंबर के बारे में अपने को फेस वैल्यू पूछता है वही उसकी फेस वैल्यू रहती है। फेस जैसा अपना फेस है, फेस के सामने अपन आईने के सामने रखेंगे तो अपना ही फेस दिखेगा ना, उस तरह से है वो, उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 6। सेकंड क्वेश्चन है 93,72,46,576, इस नंबर में जो कलर किया नंबर है 3 है, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अपने को बताना है। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 करोड़। देखो 3 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू, 3 करोड़, और फेस वैल्यू क्या हो गई, 3। अभी अपन क्वेश्चन इसके बाद में भी सी डी ई तक के आपको दिए हैं सब क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है उसका। क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अपने को ये जो नंबर दिए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अभी दिया है 20 करोड़, 4 करोड़ प्लस 6 लाख प्लस 9,000 प्लस 600
प्लस 20 प्लस 5। इस तरह से देखो मैंने सीक्वेंस में किया है, 20 करोड़, 4 करोड़, 6 लाख, 9000, 625। देखो बिल्कुल इन सब नंबरों का क्या करना है, अपने को प्लस करना है। देखो बिल्कुल 5, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9, क्लियर। 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 6, 6, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 4, 4, 2 के बाद कुछ भी कोई भी नंबर नहीं तो 4, क्या हो गया 24 करोड़ 6,09,624। इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से करना है। इस तरह से करोगे तो आपको इजी आएगा, अगर इस तरह से करते हो तो थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए मैंने खड़े इसमें करके दिया है आपको एडिशन इसका। इस तरह से आप करोगे तो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी डिजिट इधर के उधर नहीं होगा। इसके भी सब क्वेश्चन है, उसका आपको होमवर्क है।